बात करने वाले हैं रूट के बारे में। बहुत तो आपने सुना होगा रूट होता क्या है, क्या होता है, इससे क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। तो आज उसी बारे में बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बता दो तो क्या रूट है और क्या इसका प्रॉफिट है और क्या इसका लॉस हम है। बात कर रहे हैं तो रूट के बारे में कि रूट होता क्या है। तो सिंपली जब आप कोई भी फ़ोन बाय करते हो, खरीदते हो, तो जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो वो एक्सेस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन वो एक्सेस आप नहीं कर सकते हो, मतलब जो फ़ोन जो कंपनी आपको देती है एक्सेस करने के लिए, सिर्फ आप वो एक्सेस कर पाते हो। तो सिंपली ये जो रूट करने के बाद, ये एक मतलब ऐप से ही रूट होता है, तो रूट करने के बाद आपके फ़ोन में वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आप एक्सेस कर सकते हो। तो रूट करने के बाद आपके पास मतलब सुपर पावर, जैसे आप सकती कि अपने सुपर पावर को आप अपने हिसाब से फ़ोन को कस्टमाइज कर सकते हो। तो सिंपली जैसे कि आपका होम ड्रावर है, मतलब जैसे कि जो बैक बटन होती है उसको आप स्विच ऑफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर उसकी रिसेंट होती है उसको आप बैक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सारी जैसे कि आपका जो मतलब वो वॉल्यूम बटन है, आप उसके कैमरे के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड आपको एक्सेस मिल जाता है आपको रूट करने के बाद। तो रूट के कुछ फ़ायदे हैं और रूट के नुकसान भी हैं। तो चलिए जा रहे रूट के प्रॉफिट के बारे में कि रूट करने के बाद आपको क्या लाभ होगा। तो सिंपली जैसे कि आप मोबाइल रूट कर सकते हो, उसमें आप बहुत ही चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप उसमें बहुत ही चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप उसमें कस्टम रोम डाल सकते हो, कस्टम रैम डाल सकते हो, उसकी रैम बढ़ा सकते हो। और जो कंपनी पहले से इंस्टॉल ऐप देती है, वो कभी मतलब बहुत मतलब कुछ ऐप होते हैं जिनकी आपको नहीं ज़रूरत होती है, वो आप रूट करने के बाद अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको भी आप नया डाल सकते हो, और आपका जो एंड्रॉयड वर्जन होता है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपके मार्स मैलो है, लॉलीपॉप है, तो उसको आप पाई बना सकते हो या फिर ओरियो भी बना सकते हो। तो सिंपली अगर कोई भी चीज़ का प्रॉफिट हो तो उसका लॉस भी होता है। तो चलिए इसके लॉस हम डिस्कस कर लेते करने हैं। के बाद लॉस की, तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि रूट करने के बाद आपकी जो फ़ोन की वारंटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब आप अगर फ़ोन रूट है तो अगर आप को कोई भी दिक्कत हो गई फ़ोन में, तो आप कंपनी पास ले जाओगे तो कंपनी साफ मना कर देगी कि आपने फ़ोन रूट किया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपली वारंटी पीरियड आपका ख़त्म हो जाता है, तो जिससे कि बहुत ही नुकसान होता है। तो और रूट करने के बाद आपका जो फ़ोन, अगर रूट करते करते आपका फ़ोन डेड हो गया तो फ़ोन कभी खुलेगा नहीं। तो आप चाहे जहाँ लेके चले जाओ, चाहे आप सर्विस सेंटर में लेके चले जाओ, चाहे आप कोई दुकान में लेके चले जाओ, कोई भी इंजीनियर के पास लेके चले जाओ, वो साफ मना कर देगा। क्योंकि रूट करने के बाद आपका फ़ोन अगर डेड हो जाए तो आपका मतलब जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरी तरह से डेड हो जाता है। तो सिंपली आपका फ़ोन भी डेड हो जाता है। तो अगर उसके बाद अगर हम रूट करते हैं, तो जो तीसरा पॉइंट है, तो वह हमारा रूट करने के बाद आपका फ़ोन हीट करने लगता है। तो सिंपली फ़ोन तो तेज़ चलेगा आपका, क्योंकि रैम बढ़ेगी, और रैम बढ़ेगी तो फ़ोन तो आपका सही चलेगा, लेकिन उसके बाद आपका फ़ोन हीट करने लगता है। मतलब ज़्यादा हीट नहीं करने लगता, हीट करने लगता है। तो यही तुम्हारे कुछ लॉस है रूट करने के बाद के। और मेरी मानो तो, अगर आपको फ़ोन रूट करना है तो सिंपली आप अगर सिंपल यूज़र हो तो आपको फ़ोन रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल फ़ोन आ रहा है 2 GB रैम वाले, 3 GB रैम वाले, तो ज़्यादा हैंग नहीं करते कि आपको कस्टम रोम डालने की ज़रूरत हो या फिर रैम डालने की ज़रूरत पड़े। तो अगर आप टेक यूट्यूबर हो तो आप फ़ोन रूट कर सकते हो, क्योंकि टेक यूट्यूबर को कुछ एक्सेस चाहिए होते हैं फ़ोन की तरफ से। तो आप अगर आपको एंड्रॉयड वर्जन चेंज करना है, आपका फ़ोन ज़्यादा पुराना हो गया, या फिर 1 साल से उसका वारंटी पीरियड खत्म हो गया, फिर 2 साल पुराना हो गया, तो आप रूट करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको पता करना है कि रूट कैसे होता है, तो सिंपली अगर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे तो मैं उस वीडियो में भी रूट करने के बारे में वीडियो में बना दूंगा। तो यही तुम्हारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन पे मेरा अगर नंबर है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उस नंबर पे मुझे कॉल और मैसेज करके आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।